इस खबर को जानने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या बिहार में शराबबंदी कानून फेल है? क्या शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए? ये सवाल इसलिए कि बिहार में शराबबंदी कानून सवालों के घेरे में है। वहीं इसमें एक बार फिर से संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत अब संबंधित अधिकारी के पास शराब मामले में जब्त गाड़ी को छोड़ने का अधिकार होगा, लेकिन उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे भी जान लीजिए। अब बिहार में कोई गाड़ी शराब के साथ अगर पकड़ी जाती है तो उसे छोड़ने के लिए मालिक को गाड़ी की कीमत का 10% जमा करना होगा या अधिकारी कोर्ट से उचित परामर्श के बाद वाहन मालिक से जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपए वसूल करने के बाद उसे छोड़ सकते हैं। इससे पहले जब्त वाहन के मालिक को अदालत की अनुमति के बाद वाहन को छोड़ने के लिए बीमाकृत मूल्य का 50% भुगतान करना होता था। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस प्रस्ताव को मद्य निषेध, आबकारी और पंजीकरण विभाग की ओर से कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया था। इस मामले में सरकार की दलील क्या है, सुनिए अवर मुख्य सचिव कैबिनेट सचिवालय एस सिद्धार्थ से। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 95 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद नियमावली 2021 यथा संशोधित नियमावली नियम 12 क के उपनियम 2 में संशोधन किया। आपको पता होगा कि बीच में एक नियम में संशोधन हुआ था, ये जो 2021 का संशोधन है कि यदि कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो आधा 50% भुगतान करने के बाद उसको मालिक को वापस किया जा सकता है और उसके बाद न्यायालय का जैसे आदेश हो उसके राशि के वापस करने पर निर्णय लिया जा सकता है। अब यह है कि अब ये जो 50% का लिमिट है इसको घटा के अब 10% हो गया है, कम से कम 10% या 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। तो ये एक लिमिट बना दिया गया है कि इतनी राशि वह आपको जमा करनी होगी और यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ अपील होगा और वह निर्धारित करेंगे कि यह कितनी लिमिट होगी। तो मिनिमम लिमिट जो है 10 लाख या 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। तो ये लिमिट संशोधन में नियम में अंकित कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार ने सच में कोई सख्त कानून बना दिया है जिसमें बार बार संशोधन करने की जरूरत पड़ रही है? विपक्ष लगातार जहरीली शराब से मौत मामले में सरकार को घेरता रहा है। अब इस संशोधन के बाद विपक्ष को एक और मौका तो मिल ही गया है। पटना से अनिकेत कुमार, बिहार तक।